आपने तत्वों के प्रतीकों और यौगिकों के रासायनिक सूत्रों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, जैसे कॉपर का रासायनिक प्रतीक Cu और जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसी प्रकार लवणों जैसे सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखकर व्यक्त किया जा सकता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं को NaHCO3 रासायनिक सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। परंतु कुछ लवणों के क्रिस्टलों के रासायनिक सूत्रों में जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों के लिए CuSO4.5H2O लिखा जाता है, अर्थात इसमें जल के अणु उपस्थित दिखाए जाते हैं। क्रिस्टल में उपस्थित जल के इन अणुओं को क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। क्रिस्टलीय जल की परिभाषा के अनुसार क्रिस्टलीय जल लवण की एक फार्मूला इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को कहते हैं। आइए आज हम प्रयोग द्वारा करके देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलीय जल उपस्थित होता है। इसके लिए हमें इस सामग्री की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है: कॉपर सल्फेट, परखनली, परखनली स्टैंड, परखनली होल्डर, पैट्री डिश, स्पैचुला, ड्रॉपर, बीकर तथा बर्नर। अब हम एक शुष्क परखनली लेते हैं और इसमें स्पैचुला की सहायता से कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल परखनली में डालेंगे। अब इस परखनली में हम परखनली होल्डर लगाएंगे। अब हम बर्नर को जला लेते हैं। अब हम इस परखनली में जिसमें हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए हैं जिनका रंग नीला दिखाई दे रहा है उसे हम बर्नर की ज्वाला में धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का रंग नीले से कुछ नीला सफेद हो गया है और साथ साथ हम इसकी भीतरी सतह को भी ध्यान से देखते हैं। आप देख रहे हैं कि क्रिस्टलों का रंग कुछ नीला सफेद हो गया है। अब इन क्रिस्टलों को कुछ देर के लिए और गर्म करते हैं और होने वाले रंग परिवर्तन को भी ध्यान से देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलों का रंग सफेद हो गया है और परखनली की भीतरी सतह पर जल की कुछ बूंदें एकत्रित हो गई हैं। अब हम बर्नर को बंद कर देते हैं। अब इस क्रिस्टल चून को पेट्री डिश पर निकाल लेते हैं। अब कॉपर सल्फेट का सफ़ेद चूर्ण ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जल की कुछ बूंदें डालेंगे और इसमें होने वाले रंग परिवर्तन को भी ध्यान से देखेंगे।
हम देख रहे हैं कि जल मिलाने से कॉपर सल्फेट चून का रंग फिर से नीला हो गया है। आइए अब हम ये चर्चा करते हैं कि इस प्रयोग में हमने जो देखा उसका कारण क्या है। हमने देखा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर उनका रंग नीले से नीला सफ़ेद और फिर सफ़ेद हो जाता है। इसका कारण इन क्रिस्टलों से क्रिस्टलीय जल का निकल जाना है, जिसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस स्वेज चून में जल मिलाने पर कॉपर सल्फेट का रंग पुनः नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलीय जल के अणु पुनः जुड़ जाते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या कॉपर सल्फेट के अतिरिक्त किन्हीं अन्य लवणों में भी क्रिस्टलीय जल उपस्थित होता है। जी हाँ, ऐसे कुछ अन्य लवणों के उदाहरण इस प्रकार हैं: आयरन सल्फेट, जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट, पोटाश एलम यानी फिटकरी। आपके लिए जानना रोचक होगा कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब जल की हानि द्वारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हड्डी टूटने आदि की स्थिति में गीला करके लगाया जाता है। गीला करने से यह पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कठोर ठोस प्राप्त होता है।